आदरणीय सभापति जी, किस प्रकार से देश में निराशा फैलाने का प्रयास, मैं ये तो समझता हूं जो लोग इतनी निराशा की गर्त में डूब चुके हैं, वैसे निराशा फैलाने का उनका सामर्थ्य भी बचा नहीं है, वो भी सामर्थ्य नहीं बचा। आशा का तो संचार कर ही नहीं सकते, जो खुद निराशा में डूबे उनसे आशा। लेकिन देश में हर जगह जहां बैठो वहां निराशा 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 फैलाने का जो खेल चल रहा है और सच्चाई को नकार करके हो रहा है, वो न खुद का भला कर पाएंगे न देश का भला कर पाएंगे। आदरणीय सभापति जी, हर बार एक ही गाना गाया जाता है समाज के कुछ वर्गों को भड़काने के लिए, बिना हकीकतों को ऐसे वाक्य बोल दिए जाते हैं। मैं जरा देश के सामने कुछ हकीकत बोलना चाहता हूं और मुझे विश्वास है मीडिया इस ऐसे विषयों पर जरा डिबेट कर ले ताकि पता चले। आदरणीय सभापति जी, यहां पर सरकारी कंपनियों को लेकर हम पर भांति भांति के आरोप लगे, क्या क्या आरोप लगाए जा रहे हैं, सिर पैर माथा कुछ नहीं बस लगाते चलो। अब देखिए, देश को याद है मारुति के शेरजा क्या खेल चल रहा था उस जमाने में, हेडलाइन बना करती थी मारुति शेर का क्या चल रहा था। मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता, वो उनको वहां तक पानी पहुंचेगा कि शायद यहाँ पर करंट लग जाएगा, इसलिए मैं वहां तक जाना नहीं चाहता। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, देश को जानना जरूरी है। आदरणीय सभापति जी, मैं तो आजाद भारत में पैदा हुआ हूं, मेरे विचार भी आजाद है और मेरे सपने भी आजाद है। जो गुलामी की मानसिकता को जीने वाले हैं उसके बाद और कोई चीजें नहीं है, वही पुराने कागज लेकर लेकर के घूमते रहते हैं। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस ने कहा कि हमने पीएसयू बेच दिए, पीएसयू डुबो दिए, बाती बाती की बातें यहां सुन और वरिष्ठ लोगों के मुंह से सुन रहा था। याद कीजिए, बीएसएनएल एमटीएनएल को बर्बाद करने वाले कौन थे, वो कौन सा कालखंड था जब बीएसएनएल एमटीएनएल बर्बाद हो चुके, जरा याद कीजिए। एचएएल उसकी दुर्दशा क्या करके रखी थी बर्बादी, और जाकर के गेट पर भाषण देकर के 2019 का चुनाव लड़ने का एजेंडा तय होता था एचएल के नाम पर, जिन्होंने एचएल को तबाह कर दिया था वो एचएल के गेट पर जाकर के भाषण झाड़ रहे थे। आदरणीय सभापति जी, एयर इंडिया को किसने तबाह कर दिया, किसने बर्बाद कर दिया, ये हालत कौन लाया था? कांग्रेस पार्टी और यूपीए ये 10 साल की उनकी बर्बादी से मुंह नहीं मोड़ सकते, देश बड़ी भांति जानता है। और अब मैं हमारे कार्यकाल के जरा सफलता की बात बताना चाहता हूं। आदरणीय सभापति जी, आज जिस बीएसएनएल को आपने तबाह करके छोड़ा था ना, वो बीएसएनएल आज मेड इन इंडिया 4G 5G उस तरफ आगे बढ़ रहा है और दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहा है। आदरणीय सभापति जी, एचएल के लिए इतने भ्रम फैलाए, आज रिकॉर्ड मैन्युफैक्चरिंग एचएल देख रहा है, रिकॉर्ड रेवेन्यू जनरेट कर रहा है एचएल, जिसको लेकर के इतने जो होले चलाए। और कर्नाटका में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी एचएएल बन गई, कहां छोड़ा था कहां जाके लगाया हमने पहुंचाया। आदरणीय सभापति जी, एक कमांडो यहां नहीं है, एलआईसी को लेकर भी पता नहीं कैसे कैसे बड़े विद्वत्तापूर्ण बयान देते थे, एलआईसी का ऐसा हो गया, एलआईसी का वैसा हो गया, एलआईसी का यूं हो गया, जितनी गलत बातें एलआईसी को ले बोलनी चाहिए बोली, और तरीका यही है किसी को बर्बाद करने, अफवाह फैलाओ, झूठ फैलाओ, भ्रम फैलाओ और
और टैगनी भाई है, गांवों में किसी का बड़ा बंगलो हो, लेने का मन करता हो लेकिन हाथ ना लगता हो तो फिर हवा फैला देते कि भूतिया बंगला है, यहां जो जाता है ऐसी हवा फैला देते, कोई लेता नहीं, फिर फैजा करके लपक लेते। एलआईसी क्या चलाया? आदरणीय सभापति जी, मैं सीना तान करके सुनाना चाहता हूं, आंखें ऊंची करके सुनाना चाहता हूं, आज एलआईसी के शेयर रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेड हो रहे हैं। क्यों आदरणीय सभापति जी, अब प्रचार किया जा रहा है पीएसयू बंद हो गए, अब उनको तो याद भी नहीं होगा क्या है, बस किसी ने पकड़ा दिया, बोलो। 2014 में देश में 234 पीएसयू थे, 234 उनके यूपीए के 10 साल के कालखंड में, अब 14 में जब उन्होंने छोड़ा 234, आज 254 है, 234 थे आज 254 है। अब भाई कोई कौन सा एरिथमेटिक वो जानते हैं, बेच दिए, अब बेचने के बाद 250 हो गया, क्या कर रहे हो आप लोग? आदरणीय सभापति जी, आज अधिकतर पीएसयू रिकॉर्ड रिटर्न दे रहे हैं और इन्वेस्टर्स का भरोसा पीएसयू की तरफ बढ़ रहा है। जो छोटा सा भी शेयर बाजार जानते हैं इनको समझ आता है, नहीं समझता है तो किसी को पूछो। आप सभापति जी देखिए, बीएसई पीएसयू इंडेक्स में बीते एक वर्ष के दौरान लगभग 2 गुनी उछाल हुई है। आदरणीय सभापति जी, 10 साल पहले यानी 2014 से 2014 के बीच की बात करता हूं, पीएसयू का नेट प्रॉफिट करीब करीब 1.25 लाख करोड़ था और इस 10 वर्ष में पीएसयू का नेट प्रॉफिट 2.5 लाख करोड़ है। हमारे 10 वर्ष में पीएसयू की नेट वर्थ 9.5 लाख करोड़ से बढ़कर के 17 लाख करोड़ हो गई है। आदरणीय सभापति जी, इनका हाथ जहां भी लगता है ना उसका डूबना तय हो जाता है और उससे यही दशा करके उन्होंने छोड़ी थी, हम मेहनत करके इतनी बाहर लाए, इतनी प्रतिष्ठा बढ़ी है, आपको खुशी होनी चाहिए, भ्रम मत फैलाइए, बाजार में हरा हवा ऐसी न फैलाइए कि देश के सामान्य निवेशक के मन को उलझन में आ जाए, ऐसा काम आप नहीं कर सकते।